डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक बिलगुड पब्लिक स्कूल। हर स्कूल का जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है तो वो एक बहुत ही अलग खुशी का दिन होता है, क्योंकि हमारे सब स्कूलों की एक बैंकिंग कहिए ये इसी बात से तय होती है कि आपके बच्चे 10th में 12th में कैसा परफॉर्म करते हैं। कल स्टैंडर्ड 10th का रिजल्ट आया, मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने पूरी मेहनत करी और 95 बच्चे इस साल बैठे थे उसमें से कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, बल्कि 14 बच्चे तो वो हैं जिनके कि 90% से अधिक अंक आए हैं और करीब 24 बच्चे वो हैं जिनके 80 से 90% अंक आए हैं और करीब 28 या 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 से और 80% तक नंबर हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि बच्चे आज तक कल कितने सीरियस हैं। देवगर्त ने हमारे स्कूल में टॉप किया है जिसके 95.8% मार्क्स आए हैं, उसके साथ बिटिया वृंदा बंसल जो है उसने सेकंड पोजीशन में आई है और उसके 95.6% मार्क्स हैं और वो थलीपल्ली प्रमादेश जो है उसके 95% मार्क्स हैं, उसने स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं बच्चों के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ और मैंने उनको आज एक बात कही कि एक सपना पालो और 11th और 12th में इतनी मेहनत करो कि जिससे तुम्हारा सपना पूरा हो सके, क्योंकि 12th के बाद तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या करना है। बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद और ख़ास करके उनके पेरेंट्स को, हमारे स्कूल की टीचर्स को, प्रिंसिपल को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम बच्चों की इसी तरह से पढ़ाई में ध्यान देंगे और बच्चे आने वाले समय में देश का नाम रोशन। मैंने सीए का डिसीजन लिया कि मैं आगे सीए की प्रिपरेशन करूँगा, आईएएस का मेरे मतलब ऐसा मन नहीं है।